हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट्स के बारे में। सबसे पहला टाइप है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये वही टाइप है जिसके बारे में अभी तक हम सब वीडियोस में डिस्कस करते आए हैं। तो बेसिक तरह का जो सीमेंट है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहलाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीमेंट है। इसमें देखें तो 1987 के पहले तो इसमें एक ही ग्रेड आता था, जो कि IAS 269 1976 के अनुसार गवर्न होता था। लेकिन 1987 के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चेंज आ गया और नए ग्रेड्स, हायर ग्रेड्स ऑफ सीमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए। तो OPC को हम 3 तरह के ग्रेड्स में क्लासिफाई करते हैं। एक आता है 33 ग्रेड, एक आता है 43 ग्रेड और एक होता है 53 ग्रेड। ये क्लासिफिकेशन होता है उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पर। तो आपको पता है कि हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज में चेक करते हैं। तो जिस भी सीमेंट का 28 डेज के बाद में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज नॉट लेस देन 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, वो 33 ग्रेड की सीमेंट कहलाती है। ऐसे ही जिस सीमेंट की स्ट्रेंथ 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होती है, वो 43 ग्रेड की सीमेंट कहलाती है। इसी स्टेप में आगे बढ़ते हुए, जिस भी सीमेंट की स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं आती किसी भी केस में, वो 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट कहलाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम 43, 53 या 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट की बात करते हैं, इसकी जो BIS स्पेसिफिकेशन है, जब हम एक्चुअल में सीमेंट को टेस्ट करते हैं तो उनकी इन BIS स्पेसिफिकेशन से भी ज्यादा स्ट्रेंथ निकलती है। कई फैक्ट्रीज इस चीज को क्लेम करती हैं। अब जब आपको किसी भी सीमेंट की क्वालिटीज को अपग्रेड करना है तो कैसे किया जा सकता है? आप उसमें अच्छी क्वालिटी का लाइमस्टोन यूज करिए, मॉडर्न इक्विपमेंट यूज हो सकते हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो क्लोजली फॉलो किया जाए, किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मिक्सिंग में, या फिर आप पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन साइज अच्छा रख, पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रखें, वहाँ पर प्रॉपर ग्राइंडिंग करें, उसकी पैकेजिंग ऐसी हो कि बाहर की एयर का उसको इसमें इफेक्ट ना हो। तो ऐसे पैरामीटर्स अगर आप रखेंगे तो उसकी क्वालिटी को आप अपग्रेड ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। लेकिन जो हायर ग्रेड ऑफ सीमेंट्स हैं, ये जो है अपने आप में बहुत सारा एडवांटेजियस आउटपुट देते हैं, स्ट्रॉन्गर कॉन्क्रीट बनाते हैं। अब स्ट्रॉन्गर कॉन्क्रीट बनाते हैं तो डेफिनेटली उसमें प्रोसेस में कुछ डिफरेंस है, तो उससे उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, कॉस्टलियर होते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि कॉस्टलियर होने के बावजूद भी जब हम पूरे प्रोजेक्ट में सीमेंट कंजम्पशन की बात करें तो लो ग्रेड सीमेंट के कंपेयर में हाई ग्रेड का सीमेंट यूज करने में आपका 10-20% तक का सीमेंट कंजम्पशन जो है रिड्यूस हो जाता है। तो ये तो सामने सामने दिखने वाली चीज है। अगर हम हिडन बेनिफिट्स की बात करें तो वो भी देखेंगे आपकी इसमें। जो सबसे बड़ा हिडन बेनिफिट है वो है इसका फास्टर रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। ये कम समय में हाई स्ट्रेंथ को गेन करता है। तो ये जो है इसीलिए बहुत पॉपुलर है हायर ग्रेड ऑफ सीमेंट्स, आजकल के कंस्ट्रक्शन में बहुत ही यूज किया जाता है। और इसका ये नतीजा हुआ कि जो लो ग्रेड का सीमेंट है, दैट इज 33 ग्रेड का सीमेंट है, वो ऑलमोस्ट मार्केट से आउट हो गया है, अवेलेबल नहीं होता। और केवल ये हम मार्केट की बात करें तो ये पूरा जो OPC का मैन्युफैक्चरिंग है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसमें भी रिडक्शन आया है 33 ग्रेड के सीमेंट में स्पेसिफिकली। इसलिए आया है क्योंकि हम इसके अब जो है OPC की जगह हम ब्लेंडेड सीमेंट यूज करने लगे हैं, जो कि बनने में लो एनर्जी कंजम्पशन लेता है, एनवायरमेंट में पोल्यूशन कम करता है, इकोनॉमिकल होता है, और बाकी टेक्निकल रीजंस उसके अलग रहते हैं, हम उनको यूज कर ले। देखिए कैसे करता है, कई बार तो हम वेस्ट मटेरियल को यूज कर रहे हैं, पॉजोलॉनिक मटेरियल, फ्लाई ऐश यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, या स्लैग यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हम एक तरफ तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ सीमेंट का प्रोडक्शन हम उस केस में कम कर रहे हैं। और सीमेंट के प्रोडक्शन में बहुत एनवायरमेंट पोल्यूट होता है। और किस तरह से होता है पोल्यूट, कि 1 kg सीमेंट बनाने के लिए या 1 ton सीमेंट बबनाने के लिए हम एटमॉस्फेयर में 1 ton का कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है।
तो जस्ट यहाँ पर आप देखेंगे वर्ल्ड ओवर बहुत सारा कंक्रीट बनता है, सीमेंट प्रोडक्शन बहुत होता है, जिसमें लीडिंग है चाइना और इंडिया, इंडिया नंबर टू पर है। तो आप देखिए जितना भी प्रोडक्शन होगा सीमेंट का, उतना ही ज्यादा हम एनवायरमेंट में CO2 रिलीज करेंगे, ग्रीन हाउस गैस रिलीज करेंगे। तो हमें अगर किसी तरह से सीमेंट का प्रोडक्शन वेस्ट मटेरियल में ला के बढ़ जाता है तो हमारा वो सस्टेनेबल प्रोडक्शन कहलाएगा। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां तो लगभग OPC का प्रोडक्शन 40% के आसपास रिड्यूस हो गया है, और इंडिया के केस में 30% तक OPC का प्रोडक्शन कम हो गया है। तो आप ये तो सिंपल बेसिक सीमेंट है, और इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट टाइप की सीमेंट में क्या वेरिएशन होता है और उसकी प्रॉपर्टीज किस तरह से चेंज होती है।